हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अमन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन टेरेस गार्डन। फ्रेंड्स, आजकल फ्री का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, यानी कि 4 किलो डिटर्जेंट के साथ 1 किलो फ्री। ऊपर से यदि आप प्लांट्स लवर हैं और आपको कहीं से कोई प्लांट्स फ्री में मिल जाए तो फिर तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है, आपकी खुशी बिल्कुल सातवें आसमान पर हो जाती है। तो फ्रेंड, उसी तरह आज की अपनी वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पौधे दिखाने वाला हूँ और जो कि आप बिल्कुल फ्री में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो, और यदि आप उन पौधे को बरसात से पहले अपने गार्डन में बिल्कुल फ्री में लगा सकते हो। इसमें कुछ पौधे ऐसे होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं नर्सरीज़ में, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी करते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से पौधे हैं जिनको आप बरसात से पहले अपने गार्डन में फ्री में लगा सकते हो, जिसके लिए आपको किसी को एक चवन्नी भी नहीं देना होगा और ढेर सारे खूबसूरत से प्लांट आप अपने गार्डन में बना करके रेडी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती हैं, तो प्लीज़ आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट हैं जिनको आप बिल्कुल फ्री में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत में सबसे पहला जो पौधा आप लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में अपने गार्डन में, वो होता है ओलियंडर या फिर कनेर जिसे कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत होने के साथ में काफ़ी ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है और बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको किसी को एक पैसा या एक चवन्नी भी देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आप इसको फ्री में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास इसके 5 पौधे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इसका ऑरेंज कलर है, ये इसका पिंक कलर है जो कि डबल पेटल्स में इसके फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, और ये इसका वाइट कलर है, और ये इसकी एक हाइब्रिड वाली वैरायटी है जिसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था, जिसके लिए मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया है, बिल्कुल फ्री में इसको मैंने अपने गार्डन में ग्रो किया हुआ है। और 5वीं जो वैरायटी है फ्रेंड्स, वो है ये इसकी येलो कलर की जो कि बेल के शेप में आती है, और इसको भी बिल्कुल फ्री में ऐड किया है। इसको मैंने एक सीड से ग्रो किया था जो कि अपने आप ग्रो हुआ है, मैंने नहीं लगाया है। तो इस तरीके के प्लांट्स को आप बिल्कुल फ्री में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जिसको किसी को एक रुपया भी देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जहाँ पर भी कनेर के पौधे देख लें, वहाँ पर उसके नीचे जाकर देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे प्लांट इसके बने होंगे या फिर छोटे छोटे सीड भी इसके वहाँ पर गिरे होंगे। तो आप वहाँ से सीड कलेक्ट करके इस तरीके से प्लांट को अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी को एक पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप खूबसूरत से प्लांट अपने गार्डन में बना करके रेडी कर लोगे। तो फ्रेंड्स, उसी लिस्ट में अगला जो पौधा मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जो कि बिल्कुल फ्री में आप ऐड कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा महंगा भी ये पौधा नर्सरीज में मिलता है, 50 से 60 रुपए से तो कम आपको ये नहीं मिलने वाला है। तो ये फ्रेंड्स पौधा होता है यूफोर्बिया मिली का। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी हाइट हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा ये फ्लावरिंग भी कर चुका है। फिलहाल ये अपनी लीफी ग्रोथ कर रहा है, और फ्रेंड्स इस पौधे को भी मैंने नहीं खरीदा है नर्सरी से, मैंने इसको बिल्कुल फ्री में अपने गार्डन में ऐड किया है, और कहाँ से ऐड किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप ये मेरा पौधा देख लीजिए, इसकी मैंने छोटी छोटी कटिंग्स लगा करके काफ़ी ज़्यादा प्लांट इसके बना करके रेडी कर लिए हैं। ये भी कुछ समय पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हेल्दी इसकी कटिंग ये बन चुकी है, और एक कटिंग और मैंने यहाँ पर इसकी ग्रो की हुई है। तो इस पौधे को आप एक बार अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो छोटी छोटी कटिंग से ढेर सारे पौधे इजिली बना करके रेडी कर सकते हैं। अब बात करूं फ्रेंड्स मैं इसको लगाने की, तो फ्रेंड्स इसको पौधे को मैंने बिल्कुल भी नहीं खरीदा है, इस पौधे को मैंने रोड साइड डिवाइडर से कलेक्ट करके लाया था, क्योंकि गवर्नमेंट भी इन्हीं पौधों को लगाती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्डी होते हैं और बहुत सुंदर सी फ्लावरिंग भी करते हैं, इनकी ज़्यादा देख रेख करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक रोड साइड डिवाइडर पर लगा हुआ था जहाँ से मैंने इसकी इतनी सी कटिंग लेकर के आया था, और ढेर सारे पौधे मैंने इसके बना करके रेडी कर लिए हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में भी गिफ्ट कर दिए हैं। तो आप भी इस पौधे को बिल्कुल फ्री में ऐड कर सकते हैं, बस आप कहीं पर भी जाते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, जहाँ पर भी इसके पौधे देख लें छोटी सी कटिंग ले आएँ, पूरे साल में कभी भी लग जाएगी इसकी कटिंग। उसके बाद फ्रेंड्स, आप अगला जो पौधा अपने गार्डन में बिल्कुल फ्री में रेडी कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी को एक पैसा एक चवन्नी भी देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो होता है हमारा डेविल्स बैकबोन का पौधा। कई सारे कलर पेटल्स में आते हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इसकी पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों का वेरिएशन आप देख सकते हैं, वाइट एंड ग्रीन कलर की पत्तियों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसकी 3 वैरायटी आती हैं जैसा कि आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये इसकी वेरिएशन वाली वैरायटी है जिसमें ग्रीन एंड वाइट कलर का वेरिएशन है, एक आती है नॉर्मल ग्रीन कलर की जो कि ये कुछ इस तरीके से होती हैं, और तीसरी होती हैं ये वाली जो कि हैंगिंग बास्केट के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। इसकी 3 ही वैरायटी आती हैं और तीनों ही मेरे पास हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये लगती हैं, जिसको भी आप बिल्कुल फ्री में ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। अब फ्री में कहाँ से ऐड कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स आपके घर के आसपास कोई पार्क साइड एरिया हो या फिर कहीं पर भी इस तरीके के प्लांट देख लें तो आप छोटी छोटी कटिंग्स ला सकते हैं, क्योंकि पार्क साइड एरिया में ये एज ए हेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और इतनी सी कटिंग भी आप लेकर के आओगे तो बहुत ज़्यादा प्लांट इसके आप बना करके रेडी कर लोगे। कुछ समय पहले मैंने भी बस इसका छोटे से गमले में एक ही पौधा लगाया था, और आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई होकर के कितने ज़्यादा इसके प्लांट बन चुके हैं। तो इस पौधे को भी लगाना बड़ा ईजी होता है, और फ्री में आप इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं कि आप हर बार पौधे नर्सरी से खरीद करके ही लगाएं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको आप बिल्कुल फ्री में अपने गार्डन में भी ऐड कर सकते हैं। तो उसमें अगला जो पौधा मैं आपके साथ में शेयर करूंगा वो होता है हमारा गिलार्डिया का पौधा। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर इसमें फ्लावरिंग हो रखी है, कई सारे कलर पैटर्न्स में इसके फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। जहाँ पर भी आप इनके पौधे देख लें वहाँ पर बस इस तरीके से इनके प्लांट अगर आपको लगे हुए दिख जाएँ तो इनके ऊपर सूखे हुए फूल ज़रूर होंगे, ये कुछ इस तरीके से। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से इनके सूखे हुए बीजों को कलेक्ट करके ले आइए और घर पर ला करके ग्रो कर लीजिए। जो ये सूखे बीज हैं इससे आप ढेर सारे पौधे एकदम फ्री में बना करके रेडी कर लोगे, जिसके लिए आपको किसी को कोई पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं होगी और खूबसूरत से प्लांट आपके गार्डन में बन करके रेडी हो जाएंगे। इन सभी प्लांट को फ्रेंड मैंने बिल्कुल फ्री में ऐड किया है, इसके लिए मैंने कोई नर्सरी वगैरह से नहीं खरीदे हैं, बिल्कुल फ्री में आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। उसके बाद फ्रेंड्स, आप फ्री में जो अगला पौधा अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं वो होता है हमारा अपराजिता, जो कि काफ़ी ज़्यादा शुभ पौधा होता है, यानी कि शंखपुष्पी, नीलकंठ, विष्णुकांता, कई सारे नामों से इसको जाना जाता है। और इसके फूल जो होते हैं भगवान विष्णु को काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं और शुभ होने के साथ साथ में बहुत ज़्यादा सुंदर भी इसके फ्लावर्स होते हैं। तो इस पौधे को भी आप बिल्कुल फ्री में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप इस तरीके के इसके पौधे देख ले उसके नीचे आप ज़रूर देखिएगा, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे पौधे ऐसे फ्री में बन करके रेडी हो रहे होंगे सीड से। तो आप कहाँ से भी कलेक्ट करके इस तरीके के पौधे को ला सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर और बेल की तरह चलता है, जिसको आप ऐसे अपने दरवाजे के ऊपर भी इसको चढ़ा देंगे तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये लगेगा। इसमें कई सारे कलर्स आते हैं, तो दो कलर इसके मेरे पास में भी हैं, एक है ये ब्लू कलर और एक है वाइट कलर। फिलहाल वाइट में भी फ्लावरिंग नहीं हो रखी है, लेकिन प्लांट मेरे पास दोनों ही हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे पौधे आप ला करके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और मदर प्लांट के नीचे इनके काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स बनते रहते हैं, तो इसको भी आप फ्री में लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला जो पौधा मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जो कि सुंदर सुंदर फूलों के लिए जाना जाता है और बर्ड मतलब कि जो बटरफ्लाइज़ वगैरह होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो वो होता है हमारा बटरकप का पौधा। इस तरीके से येलो कलर के इसके फ्लावर्स ब्लूम होते हैं और यही फ्लावर्स सूख जाने के बाद यहाँ पर सीड बनाते हैं। ये देखिए एक सीड पॉड है जिसके सारे सीड पॉड तो गिर गए हैं, तो उन्हीं की वजह से नीचे काफ़ी ज़्यादा इनके पौधे बने हुए रहते हैं। मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे पौधे इनके बने रहते हैं। तो जो मदर प्लांट होते हैं उनके नीचे काफ़ी ज़्यादा पौधे रहते हैं, तो आप वहाँ से कलेक्ट करके ला सकते हैं या फिर इनके सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री में आप ऐड कर सकते हैं। जहाँ पर भी इसका पौधा देख लें बस थोड़े से सीड कलेक्ट कर लीजिए या फिर मदर प्लांट के नीचे से एक पौधा ही ले आइए, तो ढेर सारे प्लांट आप बना करके रेडी कर लोगे एज ए फ्री में, किसी को एक चवन्नी भी देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, खूबसूरत परमानेंट फूलों वाले पौधे किसे पसंद नहीं होते हैं, जिनको आप एक बार लगाते हो तो सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे और अच्छी खासी फ्लावरिंग करते रहेंगे। उसी में आता है हमारा चंपा, जो कि काफ़ी सुंदर सी फ्लावरिंग भी करता है और काफ़ी ज़्यादा ईजी भी होता है इसको ग्रो करना। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे चंपा के पौधे हैं जिसको भी आप बिल्कुल फ्री में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। हालांकि नर्सरीज में इनके ज़्यादा प्राइस नहीं होते हैं, 20 से 30 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे, बट आप फ्री में अगर लगाना चाहते हो तो कहीं पर भी इसके प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे, रोड साइड डिवाइडर्स पे, रोड साइड एरिया में साइड कहीं पर भी इसके प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप छोटी छोटी कटिंग इसकी ला करके ग्रो कर सकते हो। ये जो आप मेरा मदर प्लांट देख रहे हैं, कुछ समय पहले मैंने इसकी यहाँ पर कटिंग की थी, ये देख सकते हैं आप, ये इसको मैंने यहाँ से कट किया था, तो इसमें मल्टीपल ब्रांचेस तो निकली ही हैं, उसी के साथ उसकी कटिंग को मैंने यहाँ पर नीचे में ग्रो कर दिया था। तो आप देख सकते हैं इसकी जो मैंने कटिंग ग्रो की थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नई नई पत्तियाँ निकलने लगी हैं। तो मेरा जो एक मदर प्लांट था उससे मैंने एक और प्लांट बना करके रेडी कर लिया है। तो देख सकते हैं आप कितनी सुंदर सी इसकी कटिंग भी मेरी ग्रो हो गई है। तो इस पौधे को कटिंग से लगाना बड़ा आसान होता है, जिसको आप बिल्कुल फ्री में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि कटिंग से लगाए जाते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि बीजों से लगाए जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ जगह पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको आप बल्ब से ग्रो कर सकते हैं, यानी कि उनके नीचे जो जड़ों में गांठें बनती हैं आप उनको भी ग्रो कर सकते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही मेरा कलेडियम का पौधा है जिसको आप बल्ब से लगा सकते हैं और कुछ इस तरीके से इसके बल्ब होते हैं। आप कलेडियम के पौधे कहीं पर भी देख लें तो उनसे आप बोलिएगा कि इसका एक बल्ब मुझे दे दीजिए, या फिर बहुत ही सस्ते में या फिर नर्सरीज़ में कहाँ पर भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। फ्री में आप इसको अगर ग्रो करना चाहते हैं तो ये इस तरीके से बल्ब होते हैं, मदर प्लांट के साइड साइड से ढेर सारे बल्ब इस तरीके से बनते रहते हैं। एक बल्ब भी आप अगर किसी भी गमले में लगाते हो तो समय के साथ मल्टीप्लाई होकर के ढेर सारे बल्ब ये बन जाएंगे और इस तरीके से सुंदर सुंदर प्लांट भी आपके गार्डन में ग्रो कर देंगे। और इस प्लांट में फ्रेंड्स फ्लावरिंग भी होती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती हैं, बिल्कुल पीस लिली की तरह इसके फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, जिनको आप अपने गार्डन में ग्रो करते हो तो ढेर सारे खुशबू और फूल आपके गार्डन में ऐड करते ही रहेंगे और सुंदर सुंदर रंग आपके गार्डन में बिखेरते ही रहेंगे। तो इस तरीके से बल्ब से भी इन प्लांट को ग्रो कर सकते हो। ये देखिए इस बल्ब में स्प्राउटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी मिट्टी में दबा दूंगा तो वहाँ से ढेर सारे पौधे इसके बन करके रेडी हो जाएंगे। तो इसको भी आप लगा सकते हो बिल्कुल फ्री में।
फ्रेंड्स, वैसे तो फ्री के पौधे की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है, अगर मैं आपको दिखाने लग जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले प्लांट फिर किसी वीडियो में आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। तो इस तरीके के पौधे फ्रेंड्स आप बिल्कुल फ्री में लगा करके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आप ज़्यादा खर्च भी नहीं करना चाहते हैं या फिर आप किसी को पैसा नहीं देना चाहते हैं। तो आप इस तरीके के प्लांट्स को बिल्कुल फ्री में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, और कहाँ से ऐड करते हैं वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो बिल्कुल फ्री में आप ऐड कर सकते हैं, किसी को एक चवन्नी भी देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बरसात से पहले इस तरीके से फ्री में अपने गार्डन में पौधे लगा करके अपने गार्डन को सुंदर, रंगीन और खुशबूदार बना सकें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल इन विच अमन टेरेस गार्डन। धन्यवाद।